For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मिसा मलिक है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और गायनी और ऑप से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जिनमें बच्चों के मसाइल पीरियड्स का वक्त पे ना होना, पीरियड्स में ब्लीडिंग का ज़्यादा या कम होना, हार्मोनल इम्बेलेंस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, शादी होने पे बच्चे ना होने के मसले जिसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, और प्रेगनेंसी होने की सूरत में प्रेगनेंसीज के सारे इशूज़ जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की ग्रोथ ठीक ना होना, या फिर ब्लड प्रेशर या शुगर हो जाना या एबॉर्शंस हो जाना, और पॉलीसिस्टिक ओवरीज और माहवारी बंद होने के बाद के मसाइल, यूट्रस के कैंसर्स, ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन कैंसर्स और इस तरह के दीगर मसाइल लेप्रोस्कोपी के ज़रिए सर्जरी, जिसको पेशेंट की ज़ुबान में लेज़र सर्जरी बोलते हैं, 1 या 2 होल्स के ज़रिए जो सर्जरी हो जाती है और बड़े बड़े कट्स नहीं लगाने पड़ते, और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, ये सारी मेरी स्पेशलिटी हैं और मैं इनको पिछले 25 साल से डील कर रही हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवरीज की ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रात को देर से सोना छोड़ दीजिए, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। उठने पे नमाज के बाद पहला काम एक्सरसाइज कीजिए, कैलोरीज बर्न कीजिए, जिम जा सकती हैं, किसी नज़दीकी पार्क में रनिंग के लिए जा सकती हैं, घर में मशीन्स रख सकती हैं या सिंपली वर्कआउट कर सकती हैं। आपने कोई एक्सरसाइज ज़रूर करनी है जिससे आपका सुबह के वक़्त पसीना आए, आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़के और आपकी कैलोरीज बर्न हो। अपने नाश्ते का टाइम फिक्स कीजिए, उसको 9 बजे के बाद पोस्टपोन ना कीजिए। नाश्ता आपका सबसे ज़्यादा हैवी फूड होना चाहिए, दोपहर का खाना उससे लाइट, और रात के खाने को ना होने के बराबर खाइए। रात के खाने को स्किप कर लें तो दैट इज़ बेस्ट, जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट ईटिंग बिटवीन 6 PM टू नेक्स्ट डे 8 AM। अगर आपने इस लाइफस्टाइल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो बिलीव मी, ना सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, बहुत से तिब्बी मसाइल आपके वैसे ही हल हो जाएंगे। इसके अलावा दवाइयों के ज़रिए भी हम आपके मोटापे का बंदोबस्त कर सकते हैं, लेकिन वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बगैर वो मुमकिन नहीं है। अलबत्त अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करती हैं और उस पर हम एडिड मेडिसिन देते हैं, तो आपका मोटापे को कवर करने का जो सिलसिला है वो तेज़ हो जाएगा और आसान हो जाएगा। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जिस मसले के साथ आप हमारे पास प्रेजेंट कर सकती हैं, उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ दवाइयों के इलाज हैं। अगर आपको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, उसके लिए OCPs देते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो उसके लिए हम आपको मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आपको गैर ज़रूरी बालों का मसला है, उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो सकती हैं। एक्नी का मसला है, लोकल क्रीम्स का मसला दिया जा सकता है, दवाइयाँ दी जा सकती हैं। ओबेसिटी की ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दी जा सकती हैं। दैट डिपेंड्स, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज किस लेवल पर तंग कर रही है, उसके लिए मुख्तलिफ इलाज हैं, वो हम आपको ज़रूर दे सकते हैं एडिड विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आई कैन गारंटी कि कोई दवाई कोई इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज को मैनेज करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप उससे रिलेटेड मसलों को कैसे ओवरकम करें, और अगर आपका मेन इशू ओबेसिटी है तो उसमें आपने ख़ुद अपनी मदद किस तरह करनी है और हम आपकी किस किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। सी यू सून।